नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और पिछली जो वीडियो आपने जो देखी है, आपका बहुत सारा प्यार उस पर मिल रहा है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो पे लेकर आया हूँ फिर से कुछ नया ट्राई करने के लिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चिकन फ्राई बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और रमजान का टाइम है तो झटपट स्टार्ट करते हैं। सेटअप पूरा रेडी है, सामान रेडी है। चलिए आपको सामान मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अराउंड 300-350 ग्राम चिकन का यूज करूँगा जो कि बोनलेस है। और यहाँ पे चिकन फ्राई बनाने के लिए जो सामान यूज होगा वो आपके सामने लगा हुआ है। जैसे कि ये दही है, तेल तो यूज होगा ही होगा। कश्मीरी लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा भड़कीला आएगा और जो उसका तीखापन है थोड़ा कम होता है। तो इसमें तीखा लाल भी मैंने यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं सफोला का ओट्स भी यूज़ करने वाला हूँ जो कि चिकन फ्राई करते वक्त जब मैं उसको कोट करूँगा तो उसका बहुत अच्छा क्रिस्पी आएगा। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैगी का मसाला यूज़ करने वाला हूँ, और जो टाटा का ये गर्म मसाला पाउडर है ये भी मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सब मसाले मैंने निकाल के रखे हैं तो मैं इसको सब बारी बारी करके ऐड करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की है मैंने, हींग, जो कि जिससे एसिडिटी थोड़ा सा रेगुलेट हो जाती है और हाजमे में अच्छा होता है। नींबू यूज़ करूँगा और अंडा यूज़ करूँगा इसको कोटिंग करने के लिए। 2000 years later तो चलते हैं गाइस इसकी। लेट हो रहा तब तक ये सब काम भी कर लें। तो गाइस, हमारा पकौड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। फ्राई हो चुका है और अब मैं पापड़ भी फ्राई करने वाला हूँ जो कि ये है। अभी अभी ला के दिया है इन्होंने।
इसको भी फ्राई करते हैं एक एक करके। बेसिकली ये मैदे का पापड़ है और बीच में इसको कट लगा दिया गया है कि ये फूले नहीं। बड़ा क्रिस्पी होता है जब आप चने जब खाएंगे ना तो उसमें खाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत आसान है ये, बहुत आराम से हो जाता है। ये तैयार हो गया, तैयार हो गया। देख सकते हैं मेरा जो चिकन है वो ऑलरेडी मैरिनेट हो चुका है। और यहाँ पे मैं ओट्स मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिया है। और यहाँ इस बाउल में मैंने अंडा लिया है, अंडे में मैंने नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है और हल्का सा गर्म मसाला डाला है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगा और इसको मिक्स करूँगा। तो अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें गाइस, क्योंकि यही जो है वो आपके आपके चिकन के पूरे मसाले को बाइंड करेगा और इसी से पूरा मसाला आपका कोट होगा। और आपको मैं बता दूं गाइस, मैं यहाँ बाहर खुले हवा में क्यों कुक करता हूँ, एक तो लकड़ी पे जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग ही आता है और मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता है। जब भी मैं नॉनवेज वगैरह बनाता हूँ तो मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं उस पर लकड़ी के चूल्हे पे बनाऊँ। और ये गैस है और इसका टेस्ट मैं करने के बाद ही बता पाऊंगा कि कैसा लगा, क्योंकि रोज़ा में था और ज़रा सा भी हम लोग ने टेस्ट नहीं किया है। और जितना भी मसाला जितना भी नमक वगैरह डाला था सब तो अपने अंदाज से डाला था मैंने। तो उसको टेस्ट करते हैं गाइस। ऑसम टेस्ट है गाइस, भाई मज़ा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ सच में अपने मेहनत।